दोस्तों शहनाज गिल से जुड़ी ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपको हैरान कर देगा। दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जिस हीरोइन की सबसे ज़्यादा इस टाइम चर्चा है, नाम है, शोहरत है, उसका नाम है शहनाज कौर गिल। जी हाँ, पंजाब की क्वीन, पंजाब की कैटना कैफ और इंडिया की शहनाज कौर गिल। आज शहनाज कौर गिल हर चैनल पर छाई हुई हैं, हर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, हर जगह शहनाज की फ़ैन फॉलोइंग की ही बात होती है। पिछले सप्ताह जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो बिग बॉस OTT पर एज ए गेस्ट बुलाई गई थी और फिर उन्हें डांस दीवाने 3 में भी एज ए गेस्ट बुलाया गया। शहनाज की जोड़ी को बुलाया तो गया ही गया, लेकिन उन्हें वो मान सम्मान नहीं दिया गया डांस दीवाने 3 के सेट पर जो देनी चाहिए थी, खास तौर पे शहनाज को। जी हाँ, वहीं बिग बॉस OTT पर करण जौहर के द्वारा शहनाज और सिद्धार्थ को, शहनाज की जोड़ी को भरपूर प्यार दिया गया, भरपूर सम्मान दिया गया, लेकिन डांस दीवाने 3 में उन्हें वो मान सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो असल हकदार थी। और इस सब को लेकर शहनाज थोड़ी ना खुश भी दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारी शहनाज ठहरी भोली भाली, हर कोई उनका फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, अभी ट्विटर पे भी किसी ने उनके बारे में कुछ गलत बोला शहनाज के बारे में, तो मिनट में सिद्धार्थ शुक्ला खड़े हो गए अपनी शहनाज के लिए और उस ट्वीट करने वालों को करारा जवाब भी दिया था अभी हाल ही में। वेल, आपको बता दें, डांस दीवाने के सेट पर कई बार कई लोगों ने मजाक उड़ाने की भी कोशिश की शहनाज की, तो वहीं सिद्धार्थ ने साथ के साथ ही जवाब दे दिया करते थे डांस दीवाने के सेट पर शहनाज की वजह। जब भी शहनाज को कोई वर्ड नहीं मिल पाता था कि यहाँ पे क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, तो उस जगह पे सिद्धार्थ पूरा साथ निभाते हुए नज़र आ रहे थे। शहनाज सोफे से गिरी तो सिद्धार्थ ने कैमरा वैमरा कुछ ना देखते हुए शहनाज का हाथ थामा और संभालते हुए क्या हुआ करके, चोट तो नहीं आई तुझे ज़्यादा, इस तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्ट, पूरी तरह से केयर करते हुए नज़र आए। तो पूरे सेट पर अगर कोई था शहनाज का हाथ थामने वाला, शहनाज को रिस्पेक्ट करने वाला, शहनाज की केयर करने वाला, तो वो थे सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ, बाकी सब शहनाज का फ़ायदा ही उठा रहे थे। वेल, कलर्स वालों ने भी पूरी तरह से शहनाज का फ़ायदा उठाया। वहीं कलर्स वालों ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर इन्हें बुलाया था और ट्रेलर में भी, इनकी 3 मिनट की ट्रेलर जो तैयार की गई थी उसमें भी हाईलाइट किया गया था शहनाज की जोड़ी को, शहनाज को खास तौर पे। और यहाँ पे डांस दीवाने के सेट पर सैटरडे संडे को सिर्फ और सिर्फ माधुरी मैम, भारती और बड़े सारे लव कपल की जोड़ियाँ दिखाई गई, लेकिन शहनाज की लव स्टोरी के बारे में कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी वाली नहीं दी गई। हालाँकि यहाँ तक कि बहुत सारे सीन्स भी काट लिए गए शहनाज के। जी हाँ, वेल, इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी भड़के हुए हैं फैंस, इस टाइम कलर्स वाले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं फैंस। वहीं आपको बता दें, शहनाज की शुरुआत हुई थी कलर्स TV से, बिग बॉस से, वहीं से शहनाज ने अपना नेम और फेम पाया और यही वजह थी कि शहनाज ने मिनटों में हाँ कर दी थी डांस दीवाने में जाने के लिए और OTT में भी जाने के लिए। कभी भी कलर्स वालों को शहनाज मना नहीं करती हैं, लेकिन कलर्स वालों ने डांस दीवाने के सेट पर कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया शहनाज के साथ, खास तौर पे शहनाज के सीन्स काट कर, शहनाज को इतनी ज़्यादा स्पेशल फील ना करवा कर। और शहनाज की जोड़ी के लिए अगर वो कुछ स्पेशल करते, अगर जिस तरह से स्पेशल बुलाया गया था उस तरह से अगर कुछ स्पेशल करते तो फैंस और दर्शकों को और TRP और ज़्यादा बढ़ जाती कलर्स वालों की। वेल दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की क्वीन शहनाज गिल दिल की बड़ी अच्छी है और सरल स्वभाव की भी हैं, वो ज़्यादा चलाकियों से बातचीत नहीं कर सकती, तो जो उनके दिल में होता है वो वहीं बोल देती हैं, जिससे लोग इस बात पर कॉन्ट्रोवर्सी बना देते हैं। जैसे पिछले दिनों जब सना डांस दीवाने 3 शो में सिद्धार्थ के साथ गेस्ट के तौर पर आई तो एक कंटेस्टेंट ने उन्हें फेस पर भूत का मास्क लगाकर डरा दिया और शहनाज इस सब के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों, और एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई और वो सोफे से नीचे गिर गई, जैसा कि आप सब जानते हैं। वहीं शहनाज के ऐसे घबराने और गिरने से कुछ लोगों की हंसी निकल गई, जिनमें माधुरी दीक्षित और भारती सिंह भी थे। जब लोगों ने माधुरी दीक्षित और भारती की हंसी को शहनाज के मजाक उड़ाने से जोड़ लिया
और बोले कि जानबूझकर माधुरी दीक्षित और भारती ने शहनाज का मजाक उड़ाया है, चाहे ये उनकी एक्सटेंशन हो या ना हो। लेकिन लोगों ने इससे रिलेटेड बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ ने तो यहाँ तक भी कह डाला कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, क्या आप इसका बदला लेंगी। इस पर शहनाज ने कहा, हाँ मैं बदला लूँगी, लेकिन मेरा बदला दूसरी तरह का होगा। मैं इनसे ज़्यादा कामयाब होकर उनसे बदला लूँगी। मैं इनसे ज़्यादा बड़ी हीरोइन बनकर अपना बदला लूँगी और एक दिन इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाऊँगी, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। इस तरह से शहनाज ने कहा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हीरोइंस हैं, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण, लेकिन आज सबसे ज़्यादा डिमांड में मैं हूँ। चाहे वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेरी फ़ैन फॉलोइंग कहीं भी मुझे झुकने नहीं देती हैं और मेरा साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती हैं। और मुझे अपने फैंस पर पूरा विश्वास है, गर्व है, वो मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते हैं। इतनी फ़ैन फॉलोइंग तो आज तक किसी की ना हुई है जितनी मेरी है, और दिल से है, हार्डली वो मुझे प्यार करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं अपने दम पर आई हूँ और अपने फैंस के बलबूते पर यहाँ तक पहुँची हूँ। वेल दोस्तों, शहनाज का इन सब बातों को पॉजिटिव वे में हमेशा की तरह लेना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसा कि शहनाज पॉजिटिव रहती हैं और आलतू फालतू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि इस तरह से बकवास करने वाले लोगों पर शहनाज का जो ताकत है, जो कामयाबी है, वो और बढ़ जाती है। जो भी बुराइयां करते हैं शहनाज की, उससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जी हाँ, वो इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेती हैं और ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं और कामयाब होती हैं इन सब चीज़ों की वजह से। जी हाँ, और फैंस भी शहनाज का पूरा साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको शहनाज के बेइज्जती का बदला लेने का ये पॉजिटिव तरीका सही लगा या गलत, जो भी आपके विचार हैं जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ शहनाज से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर के लिए दोस्तों नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, शहनाज की, सिद्धार्थ की, शहनाज की, बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो के लिए, हर लेटेस्ट खबर के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप क्लिक करके प्लीज़ फॉलो कीजिए और हर लेटेस्ट अपडेट आप पा सकते हो वहाँ से, बिल्कुल फ्री है। तो मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।